अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। हुकूमती दावों के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना वायरस की तबाही से बाल बाल बच गया है। लाखों लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खदशा था, लेकिन खुदा का शुक्र है यह तादाद 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं। बहरहाल थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज अहम गुफ्तगू की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चंद दिन पहले ये कहकर सिंध के अस्पतालों में मरीज कम और मुर्दे ज़्यादा आ रहे हैं सबको परेशान कर दिया था, लेकिन शायद उन्हें गलत आदाद शुमार फराहम किए गए। पाकिस्तान में आम बीमारियों और हादसात में रोज़ाना तकरीबन 4,275 लोग जान बहक हो जाते हैं, जबकि कोरोना के बाइस की जाने वाली एहतियातों के बाइस ये शरह कम हो गई है। हुकूमत बहुत से मामलात में बदस्तूर कंफ्यूज नज़र आ रही है। ये कंफ्यूजन दूर की जानी चाहिए। इमरान खान एक तरफ मुआशी सरगर्मियां बहाल करने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि 15 से 20 मई तक कोरोना वायरस जोर पकड़ेगा। 15 से 20 मई तक इनकी कौन सी बात मानी है? उनके एक वजीर कह रहे हैं कि IMF से $1,38 करोड़ की इमदाद मिली है। दूसरे वजीर कह रहे हैं कि यह इमदाद नहीं है बल्कि आसान शराइत पर कर्जा है। एक मुआशी तजिया निगार का कहना है कि पाकिस्तान के कोई कर्जे रीशेड्यूल नहीं हुए, हुकूमत अपनी साख बेहतर बना रही है और सिर्फ मीडिया में खबरें फैला रही है। बहरहाल अगर ये सच है कि कर्जे एक साल के लिए मुंजमित कर दिए गए हैं, तो इससे मुल्की मईशत को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। हुकूमत ने रियल इस्टेट के लिए जिस मराती पैकेज का ऐलान किया है, इससे भी मईशत को बूम मिलेगा और रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर एक ज़िद्दी शख्स हैं और अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे कि ये करना है और ये नहीं करना। सियासत में इस तरह नहीं होता। जब मुल्क की सलामती का मसला हो या 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का मसला हो, फिर ज़िद नहीं की जाती। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि मेरी किसी सियासी जमात से कोई सियासी वापस्तगी नहीं है। मैं मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पे काम कर चुका हूँ। एक अरसे तक सियासी रिपोर्टिंग भी की है। सदर ग़ुलाम इसा खां, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के अदवार में रिपोर्टिंग की है। रोज़नामा जंग, रोज़नामा नवाए वक्त और रोज़ा पाकिस्तान में सियासी तजिए लिखता रहा हूँ। मेरी कई सियासी किताबें भी हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई तो पार्टी के ऐलान से कबल और बाद में उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई, सवाल जवाब हुए, उनके कई हैरत अंगेज जवाब अब भी मुझे याद हैं। बहरहाल आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मुझसे आप रابطہ भी कर सकते हैं, आप अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं और गिले शिकवा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। इमरान खान के मुखालफिन कह रहे हैं कि उन्होंने कौम को मामू बनाया और कुछ नहीं किया। ना मुल्क में कोरोना वायरस का इतना बड़ा ख़तरा था जितना बनाकर पेश किया गया। कर्ज़ों पर रिलीफ और IMF से जितनी इमदाद मिलनी थी मिल गई। अब चंद दिन बाद मामूलाते ज़िंदगी बहाल कर दिए जाएंगे। जिसका जो नुकसान होना था वो हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा है कि कुछ लोग मायूस हैं कि मुल्क में कोरोना ज़्यादा नहीं फैला। हर किसी को अपनी बात करने और राय देने का हक है। मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी, कारोबार चलेंगे तो ज़िंदगी भी चलेगी, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ भी आएंगी, रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। जहाँ तक तब्दीली का मामला है वो अपनी जगह है। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी काबीना में मौजूद नालायकों को निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना वायरस के हवाले से असखुद नोटिस केस में ये बात कह चुकी है कि हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम है। तब्दीली की गुंजाइश हमेशा रहती है। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है।
सूरत-ए-हाल बदलती रहती है। जिस तरह वजीरों मशीरों और वज़राए आला की जिम्मेदारी है कि अच्छी और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, इसी तरह वजीर आज़म की भी जिम्मेदारी है कि दुरुस्त फैसले करें, ऐसे फैसले और ज़िद ना करें जिससे मुल्क की सलामती ही ख़तरे में पड़ जाए। ये कोई T20 या वन डे मैच नहीं कि हार गए तो कोई बात नहीं, अगले मैच में जीतने की कोशिश करेंगे, यहाँ दोबारा चांस नहीं मिलता। ये बात जहन में रखें कि अभी हम 100% मुश्किल से नहीं निकले, ख़तरे से ज़रूर बाहर आ गए। हमारा टारगेट मुल्की मईशत को बेहतर बनाना है। आलमी मीडिया बदस्तूर ये बात कह रहा है कि ये चंद माह कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल के बाइस बेहद अहम है। एक तो ये अंदाज़ा होगा कि कोरोना वायरस से कितना नुकसान होता है, दूसरी बात कि मईशत पर जो दबाव पड़ा, इमरान खान उससे निपटने के लिए क्या इकदामात उठाते हैं और फिर इन इकदामात के क्या नतीजे बरामद होते हैं, ये भी सवाल है। अब मसला ये है कि इमरान खान क्योंकि खुद सनअतकार या बिजनेसमैन नहीं और ना ही वो मजदूर हैं, अब दुरुस्त अंदाज़ा नहीं कि कौन सा शोबा कितना मुतासिर है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। उनकी मुआशी टीम भी कमज़ोर है। दोस्तों, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, मैंने अपनी वीडियोस में मसलसल ये बात कही थी कि जब कोई बुहरान आता है तो अपने साथ बहुत से नए मौके लेकर आता है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे बहुत से तजिया नगार ही यही बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन मौके से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। ये बात जहन में रखें कि कोरोना वायरस का ख़तरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। कहा जा रहा है कि मई में कोरोना वायरस शिद्दत के साथ हमलावर हो सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमाए कराम और मुशायखे उज़ाम से मीटिंग के बाद आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक मुतफ़िका लायमल का ऐलान किया है ताकि मसाजिद में नमाज और तरावी के दौरान समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए। कोरोना वायरस बायोलॉजिकल हथियार है, अमरीकी लिबार्ट्री में बनाया, चीनी लिबार्ट्री में अमरीका और चीन में सिफारती इल्ज़ामात की जंग जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज अपने एक ट्वीट में कहा है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद अमरीका में मरने वालों से ज़्यादा है। ये हैरान कन बात है। और आज 18 अप्रैल तक अमरीका में मरने वालों की तादाद 37,000 और कोरोना वायरस का शिकार अफराद की तादाद 7.5 लाख हो चुकी है। ट्रंप कहते हैं चीन में इससे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। जब अमरीकी सदर कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, लेकिन गैर जानबदार ज़राए ने किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीन में कोरोना से अमवात की तादाद ऐलान करदा तादाद से मुख्तलिफ और अमरीका से ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर है। मेरा ख्याल है कि अमरीकी सदर ने अपनी कौम का हौसला बुलंद करने और सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये झूठ बोला है। अमरीका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं। रिपब्लिकन के सदर ट्रंप और उनके मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सदर ट्रंप लॉकडाउन ख़त्म करके मुआशी सरगर्मियाँ बहाल करना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर इसके खिलाफ हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को अमरीकियों की जानों से ज़्यादा अमरीकी मईशत को बचाने की फिक्र है। वो खुद एक बिजनेसमैन है और ज़ाहिर है अपनी कम्युनिटी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक तरफ अमरीका के दरमियान सियासी कशमकश जारी है, अमरीका का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। 2.5 करोड़ के करीब लोग जो है अब तक बेरोज़गार हो चुके हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। अमरीकी मईशत हचकोले खा रही है। और दूसरी तरफ अमरीका के मुकाबले में चीन एक नई सुपर पावर बनकर उभर चुका है। उसकी मईशत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। दुनिया कोरोना बुहरान से निजात हासिल करने के लिए चीन की तरफ देख रही है और चीन दुनिया की भरपूर मदद कर रहा है, उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स फराहम कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। अब एक ड्रामाई मोड इस वक्त आएगा जब कोई मुल्क कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का ऐलान करेगा। तजुर्बात तो हो रहे हैं, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, चीन में भी, और मुख्तलिफ मराहिल पे हैं। जो मुल्क कोरोना बनाएगा उसकी मुआशी हालत बदल जाएगी।
इस वक्त कोरोना वायरस के इलाज की वैक्सीन बनाने की बहरहाल दौड़ लगी हुई है, यहाँ तक कि अमेरिका, चीन, रूस और इसराइल के खुफिया इदारे भी सरगर्म हैं, और वो भी इस हवाले से दुनिया भर में की जाने वाली रिसर्च पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नीचे घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।